शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा का दिन है। इस दिन हम मसाला दूध जरूर बनाते हैं। सर्दियों में आप कभी भी यह दूध बनाकर पी सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी है। तो आज हम बना रहे हैं मसाला दूध और इसका मसाला हम घर पर ही बना रहे हैं, जिसे आप फ्रिज में 2 से 3 महीने स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, हमें इसे उबालना है। दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसमें 3 टेबलस्पून शुगर डाल देंगे। हमें इसे बीच बीच में मिक्स भी करना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। अब दूध में हम थोड़ी सी केसर डाल देंगे। केसर डालने के बाद और एक बार मिक्स कर लेंगे। हम इसे और 7 to 8 मिनट्स उबालेंगे। तो चलिए दूध मसाला बनाते हैं। एक मिक्सर पॉट में 10 से 15 काजू ले लीजिए, 10 से 15 बादाम, 15-20 पिस्ता, 4 से 5 इलायची है जिसे मैंने छील लिया है वो भी हमें डालना है, और जायफल है जो हमें थोड़ा सा इसे ग्रेट करना है, एकदम थोड़ा सा। इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए इसका हमने एकदम फाइन पाउडर बना लिए हैं। इस दूध मसाले को आप फ्रिज में एयर टाइट डब्बे में बंद करके 2 से 3 महीने स्टोर कर सकते हैं। इसे बीच बीच में मिलाते रहिए। देखिए केसर की वजह से दूध का कलर एकदम चेंज हो गया है, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 10 मिनट दूध अच्छे से गर्म होने के बाद हमें इसमें दूध मसाला डालना है। मैंने 3 चम्मच दूध मसाला डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए और उबालना है। इसे अच्छे से उबाल आ गया है। 1 लीटर दूध में मैंने 3 टेबलस्पून शुगर डाली है और 3 टीस्पून मसाला दूध। आप शुगर की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इलायची और जायफल की वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है इस मसाले दूध में। देखिए इसका कलर, हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए। देखिए एकदम परफेक्ट। अब हम इसमें डालेंगे 15-20 चिरौंजी। देखिए दूध की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है, इसका कलर एकदम बढ़िया आया है, एकदम परफेक्ट बनी है और बहुत ही फ्लेवरफुल। तो लीजिए हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी मसाला दूध एकदम रेडी है। इसे पी सकते हैं। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा बन गया है। इस हेल्दी ड्रिंक को अपने फैमिली के लिए ज़रूर बनाइए। थोड़ी गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर केसर डाल देंगे। होममेड मसाला दूध रेडी है, आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए।